बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन के सालन की एक रेसिपी देती हूँ। इसका नाम है चिकन मद्रासी और ये मदारस का जो इंडिया का जो शहर मदारस है ये वहाँ की है। ये मुझे किसी इंडियन ही औरत ने दी थी। ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। और ये आधा किलो मैंने चिकन लिया है, इसके लिए मुख्तलिफ पार्ट ले रही है उसको आधा किलो। और इसमें कम अज़ कम 5 अदद सख्त कड़वी जो मिर्चें थी, क्योंकि सुरख मिर्च नहीं इसमें डलती, इसलिए 5 अदद कड़वी मिर्चें हैं। तो उनको मैंने, लेकिन मेरे पास पेस्ट था उसका सब्ज़ मिर्च का, इसलिए मैंने वो डाल लिया। और एक छोटा टमाटर और एक ही छोटा प्याज और उसको चॉप उगा, और एक ये तकरीबन चौथाई कप जो है ना सब्ज़ धनिया, इनको मैंने पीस लेना है, ये पेस्ट बना लेना है। और इसमें है काली मिर्च जो है वो आधी चमची है, और नारियल 1 चम्मच है, और 1 चम्मची जीरा है, लेकिन मेरे पास जीरा पाउडर था, वो मैंने उसमें जीरा पाउडर भी इस्तेमाल कर लिया। अब इसको, इन दोनों को मैंने भून लिया है, काली मिर्च को और नारियल को, इनको मैंने भून के रखा है, इसको मैंने पीसना है। और उसके बाद इसमें हल्दी है, वो आधी आधी चमची हल्दी है, और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 1-1 चम्मची, यानी मिला के 1 चमचा फुल, और आधी 1 चम्मची नमक, और एक बड़ी इलायची, 3 अदद काली मिर्ची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 अदद लौंग, और आधी चम्मची जीरा, और आधा तकरीबन आधे से थोड़ा सा कम तेल डलेगा कप आपका, जैसे आपको पसंद है। अगर ज्यादा डालते हैं आप तो ज्यादा डालें, और 1 कप पानी। अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसे तैयार करना है। ये मैंने जो नारियल भून के रखा था और काली मिर्च भी भूनी थी और जीरा मेरे पास पाउडर था, ये इन तीनों को मैंने पीस लिया है। जब ठंडा हो जाता है फिर इसको पीसना है। और ये वो मैंने वो मसाला बना लिया, वो जो प्याज टमाटर और सब्ज धनिया और सब्ज मिर्च, ये भी इनको मैंने पीस लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे पकाना है। अब तेल गर्म हो चुका है, अब मैं ये इसमें थोड़ा तड़का लगाती हूँ, इनको तड़काऊंगी, जैसे जरा कड़कड़ाने लगता है, तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। नॉर्मल इसमें सफेद जीरा डलता है तो, लेकिन मेरे पास काला जीरा था, मैंने काला ही डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा होता है सफेद जीरे का और जायका होता है इसका। और अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। ये अदरक लहसुन थोड़ा बहुत हो गया, अब इसमें ये सब्ज मिर्च वाला पेस्ट डाल देंगे। ये कुछ काफी हद तक भून चुका है, अब मैं इसमें हल्दी और नमक डाल के इसको मैं और भूनती हूँ। अब ये भून चुका है काफी हद तक, अब मैं इसमें चिकन डाल के इसको पकने के लिए रख दूंगा। ये कुछ देर पक जाएगा, ये अपना ही पानी छोड़ेगा चिकन और सब कुछ, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जब ये कुछ पक जाता है। तो ये तकरीबन आधे से ज़्यादा ही पक चुका है, और अब इसमें मैं ये मसाला डालूँगी, ये नारियल वाला, ये भी इसमें डाल के अब इसको मज़ीद पका के फिर मैं आपको बताती हूँ जब ये सारा मुकम्मल तौर पर इसका पानी भी खुश्क हो जाता है, तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। पानी वगैरह खुश्क हो चुका है और ये तो गल चुकी है, अब मैं इसको अच्छी तरह भून के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके साथ क्या करना है। मैं अच्छी तरह ज़रा भून लूँ इसको, ये बहुत अच्छी तरह भून चुका है, मसाले ने भी वो तेल को छोड़ दिया और ये चिकन ने भी, ये भी सब अच्छी तरह हो गया। अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल के इसको मैं दम पे रखती हूँ, और 5 मिनट दम पे रखूँगी हल्की आंच पे, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब ये मैं डिश आउट करके आपको दिखाऊँगी। लीजिए चिकन मद्रासी तैयार है, ये बहुत ही टेस्टी है, आप जब इसको बनाएंगी तो फिर आपको पता लगेगा ये कितना मज़े का है। इसमें सुरख मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होता, सब्ज़ रंग की जो मतलब सब्ज़ मिर्चियाँ वो इस्तेमाल होती हैं, इसलिए आप इसका रंग ज़रा ऐसे है, वरना अगर सुरख मिर्चें डाली जाए तो ऊपर सुरख सुरख तरी सी आ जाती है। ये परफेक्ट तैयार है, और हर चीज़ इसमें मैंने जो डाली है आप उसके मुताबिक डालें। अगर हाँ मिर्चें थोड़ी सी अगर आपने ज़्यादा करनी है सब्ज़ मिर्चें तो वो आप कर सकती हैं। बहुत ही मज़ेदार, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा जब आप बनाएंगी। अल्लाह हाफिज़।